हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज का जो हम लोग का सेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन है, ठीक है। तो हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन आज लेके आए हैं उसमें हम लोग बेहतरीन सवालों को पिक किए हैं, जिससे हम लोग का एक कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। हम लोग ये नहीं आपको बताएंगे कि प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। हम लोग सवालों पर डिस्कस करेंगे और उन सवालों के माध्यम से हम लोग बहुत सारे नए कंसेप्ट को जानेंगे जो फॉर्मूला बताने के दरमियान में आपसे छूट जाते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, ताकि जितने भी नए तरह के सवाल हैं या जितने भी सवाल में मैंने कंसेप्ट बताया है, वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि वो बीच में है, एक दो सवाल के बाद हैं, तो उन चीज़ों को समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखो। जिनको आ रहा है उनका रिविजन हो जाएगा, हो सकता है तुम्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया तरीका मिल जाएगा, और जिनका नहीं आ रहा है उनको तो खैर शुरू से लेकर अंत तक देखना ही है, ठीक है। तो सेशन को एंजॉय करो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें जो है सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और चैनल को यार थोड़ा सा शेयर भी करो, जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं पढ़ने वाले और जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं तुम्हारे, उन सभी जगह ये सारी चीज़ों को फैलाओ, ठीक है। और इस क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है, तुम चाहो तो, अगर तुम तक नहीं मिला है तुम चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और हम तक कैसे, तुम तक ये कैसे ये पीडीएफ पहुँचेगा, इस चीज़ की भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में, उस पीडीएफ में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो सेशन शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी चीज़ बोलेगा ना उसको धीरे धीरे करके एक एक करके वहाँ से कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे। वो पहला ही सवाल कंसेप्ट बिल्ड करने वाला है। पहला क्या बोल रखा है, जैसे मार्क प्राइस वगैरह की चर्चा की हुई है, ठीक है। तो मार्क प्राइस से शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं यहाँ पे, कि तुम एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, एमपी बाई में सीपी इज इक्वल टू होता है 100 प्लस में परसेंटेज प्रॉफिट, 100 माइनस में परसेंटेज डिस्काउंट। अब ये अगर परसेंटेज प्रॉफिट के जगह लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 100 माइनस में लॉस परसेंट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक कॉमन सा फॉर्मूला याद रखना, जिसके बेसिस पे जो है हम लोग सवालों को डील करेंगे, एमपी और सीपी से रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद एक हम लोगों का होता है सक्सेसिव, ठीक है। मैं अभी ना थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सवालों पर चलेंगे, ठीक है। सक्सेसिव कहने का मतलब क्या है, जब भी दो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में तुम्हें दिए हुए हैं, मतलब कि अगर बोले कि मेरी सैलरी आज इतनी है, एक साल के बाद ये 20% बढ़ जाती है, अगले साल वो 25% से घट जाती है या 30% से बढ़ जाती है, मतलब दो लगातार वृद्धि या एक कमी या एक वृद्धि, मतलब इस टाइप से जितना भी रहे, उन जगहों पर हम लोगों का क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मेरी सैलरी पहले साल 20% से बढ़ जाती है और दूसरे साल जो है 30% से बढ़ जाती है, ठीक है, तो पूरे दो सालों के बाद मेरी सैलरी में अभी से कितने की वृद्धि होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव लिटरली यही होता है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। इन दोनों का साइन जो है, इन दोनों के साइन का असर यहाँ पे आता है। अगर ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अगर ये माइनस ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अगर ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग का काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों का सवाल था कि 20 की वृद्धि हुई है और क्या बोल रखा है, 30 का भी वृद्धि हुआ है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस 20 गुने में 30 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये कर दिए, 30 20 50 और ये क्या हो जाएगा, 56% हो जाएगा हमारा, 56% की वृद्धि हो गई, ठीक है। एक तो हमारा सक्सेसिव नॉर्मल सा, ये सब लोगों को आता है कि ये चीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन सक्सेसिव का ना एक दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप क्या है हम लोगों का, इस चीज को यहाँ से समझेंगे, ठीक है। सक्सेसिव का दूसरा रूप क्या है हम लोगों का, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि पहला साल जो है मेरा 20% से बढ़ गया, ठीक है, दूसरे साल में कितने परसेंट की मैं वृद्धि करूं कि मेरा दो सालों के बाद जो है वो 56% का वृद्धि बताए, ठीक है। तो अब यहां से देखो तुम क्या है कि यहां कुछ ना कुछ परसेंट की तो वृद्धि हुई है, तो मान लो x लगा दो सक्सेसिव, 20 का वृद्धि प्लस में x और प्लस में 20 गुने एक्स बाई में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यही तुम्हें क्या देगा, 56% देगा, ठीक है।
तो 20 में 56 जब चला जाएगा तुम्हारा तो कितना हो जाएगा, इधर से 36 हो जाएगा, और 100 में इधर कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 10 में कर दोगे तो 12x हो जाएगा, बटे में 10 बराबर में 12 से देखो काट के तीन बार में, और x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 30% आ गई। जो सवाल मैंने यहाँ पे दिया था उसी को मैं रिवर्स करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस सक्सेसिव का जो मेन कंक्लूजन तुम लोगों को समझना है, वो मेन कंक्लूजन क्या है ये समझो यहाँ से, ठीक है। मेन कंक्लूजन है तुम लोगों का कि जब भी कोई पहला पार्ट गुने में दूसरा पार्ट इज इक्वल टू तीसरा पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ हो कुछ परसेंटेज का, इस वाले पार्ट में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो परसेंटेज का, और इन दोनों का कंप्लीट इफेक्ट कहां जाके गिरेगा, इस थर्ड पार्ट पे गिरेगा, तो हर वो केस में हमारा क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को तुम ध्यान में रखना कि फर्स्ट पार्ट पे इंक्रीज जैसे हम लोग का था ना, पहला पे 20% का इंक्रीज था, दूसरा साल 30% का, और दो साल के बाद का बोला था, दो साल के बाद का ही ना हो जाएगा हम लोगों का नया अमाउंट, तो यही हम लोग के इसी पे इफेक्ट निकालना है, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज को यहां से समझेंगे। अब यहां से देखो एक सवाल और मैं यहां पे बताता हूं, ठीक है, एक थ्योरी मैं यहां पे और बता रहा हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करती है आपके एमपी और सीपी से रिलेटेड सवाल में, ठीक है। अब यहां से तुम देखो कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 120 है, ठीक है, और या मैं बोलूं कि परसेंटेज मार्कअप, ठीक है, परसेंटेज मार्कअप जो है वो 20% का है, ठीक है, क्या है परसेंटेज मार्कअप, 20% का परसेंटेज मार्कअप है, ठीक है, उसके बाद जो है तुम परसेंटेज डिस्काउंट जो दे रहे हो वो परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हो तुम 10% का, ठीक है, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तुमसे क्या पूछ देगा, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ देगा। अब तक तुम लोग इस सवाल को कैसे बनाते थे कि परसेंटेज मार्कअप है तो सीपी मान लेते थे हम लोग 100, मार्क प्राइस हो जाता था हमारा 120, और 120 पे हम लोग 10% का डिस्काउंट देते थे तो 12 की कमी होगी तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा हमारा 108, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा परसेंटेज है इसलिए बड़ा आसानी से तुम लोग निकाल ले रहे हो, यही अगर डेसिमल वगैरह में आ जाए ना तो बड़ा ही तकलीफ होता है हम लोगों को निकालने में, ठीक है। और यहां से तुम साफ साफ देख रहे हो कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 8% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में तुम्हें समझाता हूं यहां पे सक्सेसिव के फॉर्मेट से, ठीक है, कि सबसे पहले तुम देखो कि तुम्हारा सीपी तुमने माना था 100, ठीक है, मार्क प्राइस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20% अधिक जो कि है 120 बटे में 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस जितना भी है तुम्हारा उस पे तुम क्या करोगे, 10% का डिस्काउंट दोगे तो यहां पे हो गया 90 बटे में 100, और इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां तुम्हारा 108 आ जाएगा तुम्हारा यहां पे। अब तुम यहां पे देखो मैंने अभी सक्सेसिव के लिए क्या बताया था कि जब भी 2% इंक्रीज या डिक्रीज में हो और गुना के फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में, गुना के फॉर्मेट में हो तो वहां पे हमारा सक्सेसिव लग सकता है। तो ये 20 और 10 का जो था हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज है यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ये सक्सेसिव लगेगा तो ये देगा क्या, ये तो तीसरे पार्ट का ना हम लोग बताए, तीसरे पार्ट का ना रिजल्ट हम लोग को मिलता है, और ये तीसरा पार्ट यहां से यहां जब तुलना करेंगे तो ये क्या बताएगा, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट को बताएगा हम लोगों को। तो देख लो यहां से कितना आसानी से निकल जाएगा, सबसे पहले तुमने 20 बढ़ाया, 10 घटाया, और यहां पे 20 गुने में 10 बाई में 100 कर दिया, तो 0000 यहां से खत्म हो गया, 20 में 10 गया 10, 10 में 2 चला गया, कितना परसेंट निकल के आ गया, 8% का प्रॉफिट निकल के आ गया, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का इस टाइप का जब भी सवाल आएगा हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब इस स्टेटमेंट से हम लोगों का एक कॉमन सा कंक्लूजन हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहां से हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, यहां से हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि कभी भी अगर परसेंटेज मार्कअप हमको दिए हुए है, परसेंटेज डिस्काउंट दिए हुए है, इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे हम तो हम लोगों को रिजल्ट जो आएगा वो परसेंटेज, हम लोगों को जो रिजल्ट आएगा वो आएगा परसेंटेज प्रॉफिट का, और सेम एज चाहे ये दिया हो ये दिया हो तो ये निकलेगा हम लोगों का,
मार्कअप दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकलेगा हम लोगों का, चाहो तो चेक कर लो। जैसे कि अभी अगर हम लोग मार्कअप परसेंट बोल दें यहाँ पे कि 20% का मार्कअप है और प्रॉफिट जो है हम लोगों का 8% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग का डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो देखो 20 का यहाँ डिस्काउंट का क्या मतलब है, डिक्रीज को बताएगा ये, 20 है डिक्रीज है यानी कि माइनस में 20x बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में। अब चूंकि ये प्रॉफिट है हम लोगों का, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है हम लोगों का, सीधा सीधी वो प्लस में बजाएगा, तो प्लस में हम लोग क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब यहां से देखो 20 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और यहां से भी तुम देख लो 10 में 2 चला जुट जाएगा यानी कि कितना बचेगा, 12। दोनों निगेटिव में बचेंगे तो निगेटिव को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और 12 और 12 खत्म हो जाएगा, x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10% निकल के आ जाएगा, और x तुमने क्या माना था, डिस्काउंट परसेंट को माना था, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई तुम्हारी, 10% निकल के आ गई। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना तुम्हें किसी बुक के थ्योरी में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ना ही किसे, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखो। बहुत सारे सवालों को मैं इसी बेसिस पे तुम्हें आसान करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं, सेशन का हम लोग का पहला सवाल क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो देखो पहला सवाल क्या बोल रखा है हम लोगों का, पहला बोल रखा है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है हमारा, 200 अधिक है, ठीक है, रुपया में। फिर आगे बढ़ो, एंड सेलिंग प्राइस इज 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का 60% जो है वो कौन है हमारा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रखा है, इफ शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द आइटम, प्रॉफिट जो अर्न होगा यहीं से यहीं, मतलब यहां से यहां जो है वो 20% का प्रॉफिट को बता रहा है हम लोगों का, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन इट, डिस्काउंट कितने का दिया गया ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहां से तुम देखो, यहां से तुम सिंपल सा कंसेप्ट अगर यहां पे अप्लाई करोगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट तुम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हो कि सीपी से एसपी जो गया है वो सिर्फ 20% का प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5 होता है, ठीक है। तो 4/5 जब होता है तो 5x हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6x हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जब ये 5 और 6 का रेशियो है तो इसको 50 और इसको क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग 50 मान लिए 60 मान लिए तो 200 अधिक है, तो एक वेरिएबल लगा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 50x है, 200 अधिक एमपी है हमारा, तो 50x में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, 200 ऐड कर देते हैं, और इसका जब हम लोग 60% निकालेंगे तो ये हम लोगों को कितना देगा, 60x देगा। तो 60 खत्म हो गया, यहां से 100x चला जाएगा, 50 में 100x चला गया, कितना हो गया, 50x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। यानी कि यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब 4 निकल के आ गई तो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन इट, कितने का डिस्काउंट दिया ये बताने के लिए, ठीक है। तो डिस्काउंट तुम देखो यहां से सबसे पहले मार्क प्राइस पे आ जाओ, मार्क प्राइस कितना था तुम्हारा, 50x प्लस में 200 था, ठीक है। तो 50 से जब गुना करोगे तो 200 दो गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा, 400 हो जाएगा। यहां जब गुना करोगे तो 6 गुना 24 240 हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 240 और इसमें कितने का अंतर है, 160 का अंतर है। तो डिस्काउंट जो दिया गया इस सवाल में वो कितने का दिया गया हम लोगों का, 160 रुपीज का दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग यहां से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या दे रखा है हम लोगों का, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, इफ रवि इंक्रीजेस बोथ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस बाय 400, रवि जो है दोनों सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस दोनों को 400 रुपए से बढ़ा देता है, ठीक है। जब 400 रुपए से वो बढ़ा देता है तो बोल रहा है परसेंटेज प्रॉफिट इन दिस केस बिकम 80% ऑफ द प्रीवियस परसेंटेज प्रॉफिट। अगर हम ओल्ड वाला परसेंटेज प्रॉफिट को अगर 100% मानते हैं तो हमारा न्यू परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो 80% हो जाएगा, ठीक है। अब यहां चूंकि ओल्ड परसेंटेज प्रॉफिट हमारा 100 है तो यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो
1:2 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इनकी रेशियो जो आएगी 1:1 आएगी, 1 हमारा सीपी, 1+1 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, इसमें परसेंटेज प्रॉफिट हमारा 80 है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो 4:5 लिखना होगा हम लोगों को। ओल्ड कंडीशन में हमारा सीपी और एसपी का रेशियो ये था, न्यू कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब चूंकि यहां से यहां भी 400 और यहां से यहां भी 400 की कमी की गई है, तो हम लोग उस चीज को बैलेंस करने के लिए एज के सवाल में बहुत अच्छे से इस चीज को समझे थे। जिन लोगों को अभी तक एज का भी नहीं देखा है, एज का भी डिस्क्रिप्शन में, एज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप उस चीज को वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, बैलेंस करने के लिए इधर अंतर तुम्हारा 4 का है और इधर अंतर तुम्हारा 1 का है, तो 1 के अंतर से हमको कोई मतलब नहीं है, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। 4 से 1 जोड़ के आ रहा है, 8 से 9 1 जोड़ के आ रहा है और 1 का मान तुम्हें 400 दे रखा है। तुमसे पूछ रहा था इनिशियल सीपी क्या होगा, तो इनिशियल सीपी कितना था तुम्हारा, 4 था, तो 4 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 1600 रुपए, और यही हमारे सवाल का आंसर है, कितना है 1600 रुपीज, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का। अगला देखो क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 300, शॉपकीपर जो है अपने आर्टिकल को 300 पे मार्क करता है। देखो कितना ही बेहतरीन सवाल है, इसको नॉर्मली बनाओगे तुम लोग को कितना टाइम लगेगा, और मैं देखो यहाँ पे कितनी आसानी से इसे तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 300 आफ्टर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹300, एमपी 300 दे दिया, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%, 30% का डिस्काउंट देने के बाद He sold an article at 5% profit, ठीक है, 5% के profit पे बेच देता है, मतलब mark price 300 है, discount percentage जो है वो 30% है तुम्हारा और profit percentage 5 है, ठीक है। If the shopkeeper sold the article in order to earn 20% profit, 20% के profit पे earn करना चाहता है, तो पूछ रहा है then find the percentage increase in the selling price of the article। आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा ये हमें बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो कि हम लोग एक सवाल का ना दूसरा पहलू भी होता है, ठीक है, हम लोगों को वही चीज ढूंढना है। इस सवाल में तुम्हें क्या बोला, डिस्काउंट दिया, प्राइस का मतलब परसेंटेज प्रॉफिट बताया, ये सारी चीजें तुम्हें बता दी, लेकिन इस सवाल में सीपी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, और सीपी तो कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, मतलब जितना पहले था सीपी उतना ही अभी भी होने वाला है, सीपी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, सिर्फ बोला परसेंटेज प्रॉफिट 20% वो कमाना चाहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सीपी 100 मान लेते हैं, तो पहले 5% का प्रॉफिट हो रहा था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, तो कितने का इंक्रीज हुआ सेलिंग प्राइस पे, 15 का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज निकाल देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा हमारा, 15/105 गुने में कितना हो जाएगा 100, 15 से काट देंगे 7/12, 1/7 हम लोगों को याद होना चाहिए कि 14 2/7% होता है, या और डेसिमल में लिखेंगे तो 14 पॉइंट में कितना होता है 28% होता है, ठीक है। तो यही हमारे सवाल का आंसर, इसमें 300 मार्क प्राइस डिस्काउंट का कोई यूज नहीं है, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो, अगर नहीं पता है तो तुम लंबा चौड़ा यूज करके बनाओगे जो कि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव एंड टाइम टेकिंग होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का। अगला जो हम लोग का सवाल है वो हम लोग का डेटा सफिशियंसी से, सीट में डेटा सफिशियंसी, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सारी चीजें हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो ध्यान रहे इस चीज में। देखो डेटा सफिशियंसी के बारे में मैं अगर बताऊं तुम्हें, तो डेटा सफिशियंसी क्या है तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है किन दो स्टेटमेंट का यूज करके तुम्हारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट से देखना है, ऑब्जर्व करना है, अगर तुमने प्रैक्टिस किया है तो तुम चीजों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, और नहीं पढ़ा है तो तुमसे तो फिर कभी या कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चीजों को पढ़ो और मेहनत करके थोड़ा सा आगे बढ़ो ताकि तुम भी विजुलाइज करके आंसर दे सको। देखो इस सवाल में भी क्या हम लोगों का, हम लोग का क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड, प्रॉफिट और लॉस अमाउंट हमें बताना है, ठीक है। जब उसको बेचा गया तो सेल, पहला कर्ण क्या बोल रखा है हम लोग को, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1080, सेलिंग प्राइस जो है वो दे रखा है 1080, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है हम लोग का सवाल में, इफ इट इज सोल्ड 50% मोर,
अगर वो 50% अधिक पे बेचा जाता, मतलब इसी को 50% बढ़ाने के लिए बोला है, चलो बढ़ा देंगे, कोई अमाउंट आ जाएगा हम लोगों के पास, तो उसको प्रॉफिट जो है 270 का होता। तो 270 का जब प्रॉफिट हो रखा है हम लोगों का सवाल में, तो हमसे पूछ रहा है कि जब बेचा जाता इस दाम पे तो कितने का प्रॉफिट होता। तो इस केस में तुम देखो, तुम्हारा सीपी तो स्थिर रहेगा, तुम जितना पे खरीद के लगाया था पहले भी उतना ही, तुम नया वाले में भी काम कर रहे हो। इसको जब 50% का बढ़ाओगे तो नया एसपी निकल के आ जाएगा, नए एसपी में 270 जब तुम घटाओगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। अभी सीपी का तुलना इससे कर सकते हो, तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस जो भी निकल जाएगा। तो इन बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि इस चीज को हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। सॉल्व करके देखो क्या है हम लोगों का, हम लोग का न्यू एसपी जो है वो न्यू एसपी कितना हम लोग का बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए, 50% का इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो 1080 में जब हम लोग 50% इंक्रीज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 होने का मतलब है ये हो जाएगा 1620 रुपया, ठीक है। तो 1620 रुपया जब हम लोगों का हो गया नया सीपी, तो प्रॉफिट बोला इस कंडीशन में जो है वो है हम लोगों का 270। तो इन दोनों को जब घटा देंगे तो हम लोगों का सीपी निकल के आ जाएगा, घटा दो, 0 में 0 गया, 12 में 7 गया, तुम्हारा हो जाएगा 9, ठीक है। 12 में 7 चला गया तो तुम्हारा हो जाएगा 5, ठीक है। और यहां से तुम करोगे तो यहां तुम्हारा 14 में 15 में 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 1350। 1350 जब तुम्हारा सीपी इनिशियल निकल के आ गया, तो तुमसे पूछ रखा था कि प्रॉफिट और लॉस कितने का होगा। तुम्हारा एसपी 1080 है, 1350 है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि 270 रुपए का तुम्हें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देखो यहां से निकल गया, अगर इस चीज को तुम विजुलाइज कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। अगर इस चीज को तुम कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। इस तरीके से डीएस के सवालों को नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट में आते हैं, अगला स्टेटमेंट यानी कि हम लोग का पहला स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट हम लोग का देखो क्या देखा है। सेकंड में बोल रहा है आर्टिकल जो है 60% अबव जो होता है कॉस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस जो है, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है, तो इसको 100x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 160x हो जाएगा। फिर क्या बोल रखा है हम लोगों को सवाल में, फिर बोल रखा है कि इफ इट इज सोल्ड एट 1080 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 1080, ठीक है। जब हम इस पे 1080 का डिस्काउंट देते हैं तो इसको कितना में बेचते हैं, 1080 में बेचते हैं, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो सकते हैं, सॉल्व कर लोगे x का वैल्यू आ जाएगा 13.5। फिर से तुम्हें 100x पे आना है तो 100x की वैल्यू निकल जाएगी 1350। अब चूंकि 1350 तुम्हें मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो यहाँ पे भी तुमको दिख रहा है कि 270 का लॉस हो रखा है, तो यही हम लोगों का स्टेटमेंट 2 से भी आ गया। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, चाहे हम किसी भी स्टेटमेंट को लें, हम अपना जवाब दे सकते हैं, तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला देखो क्या है, अगला क्या बोल रखा है हम लोग का सवाल में। ए शॉपकीपर परचेज सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस को वो क्या करता है, परचेज करता है। If he is able to sell only 80% of oranges, अगर वो सिर्फ 80% oranges को बेच सकता है, but still makes an overall profit of 10%, फिर भी वो 10% का क्या कर रहा है, profit कमा रहा है पूरे business में, ठीक है, ध्यान रखो पूरा business में, ठीक है। Then what is the markup percentage of the oranges, कितने percent अधिक उसने markup किया। अब देखो यहाँ से सवाल को ना थोड़ा मुख मुर्दू सवाल का, कि तुम्हें निकालने के लिए बोला है मार्कअप परसेंट, जिसको हम लोग मान लेते हैं एक्स परसेंट, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा क्या है कि तुम सिर्फ 80% को बेच पा रहे हो, मतलब तुम्हारे 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पे तुमने कुछ प्राइस अधिक किया जिसके वजह से एक प्रॉफिट हो रहा है, एक सिर्फ 80% बेच रहे हो तो 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 20% का तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक्स परसेंट अधिक कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स परसेंट की वजह से कुछ फायदा हो रहा है, और इन दोनों के वजह से तुम्हारा जो है सिर्फ 10% का फायदा हो रहा है, ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा ओवरऑल 10% का हो रहा है। सक्सेसिव लगा दो भैया, एक बार में आंसर आ जाएगा x माइनस 20, 20x और बटे में 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 10% का फायदा, तो प्लस में 10, ठीक है। यहां से 20 से काट दो, 5 में 1 चला जाएगा तो 4x बटे में 5 बटेगा, और 20 में इधर जुट जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, 15 गुने 5 75 / 2 करोगे
तो यही तुम्हें देगा 37 पॉइंट में 5%, और हमारे सवाल का जो जवाब है वो है 37 पॉइंट में 5%। कितनी ही आसानी से हम लोगों ने सक्सेसिव लगा के इस सवाल को निकाल लिया। बस ध्यान तुम्हें इस चीज का रखना है कि सवाल का एक दूसरी भाषा भी होती है, उस दूसरी भाषा को पकड़ो। यहाँ पे दूसरी भाषा थी कि मार्कअप किया तो इसके वजह से एक प्रॉफिट हुआ, 20% कम बेचा तो यहाँ 20% कम उसको प्रॉफिट हुआ, और इन्हीं दोनों की वजह से उसको क्या हो रहा है, 10% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके से जो है इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग 14 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 2 kg कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 kg। मतलब 14 किलो पे जो प्रॉफिट होगा वह 2 किलो सीपी के बराबर है। ठीक है, 2 से 7 बार में तो प्रॉफिट का इक्वल टू 1 हो जाएगा, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या बोल रखा है, इफ प्रॉफिट इज डिक्रीज। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा थोड़ा सा कर लेते हैं, सीपी बाई में प्रॉफिट कर लेते हैं, इसको 7 बाई में 1 कर लेते हैं। बोला इफ प्रॉफिट इज डिक्रीज, देखो मैं सवाल ना आगे नहीं पढ़ रहा हूं, बस उतना तक नहीं ध्यान रखना। इफ प्रॉफिट इज डिक्रीज बाई 30%, क्या तुम 1 का 30% इजिली घटा सकते हो, नहीं घटा सकते हो। तो तुम किसका घटा सकते हो, 10 का 30% तुम घटा सकते हो। 10 का जब तुम 30% घटाओगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 7। तो जब नीचे तुमने 1 0 लगाया तो ऊपर भी 1 0 लगा दो तुम्हारा। ठीक है, अब आगे देखो, संजोग से आगे तुम्हारा दिए हुए भी है, कॉस्ट प्राइस जो है राइस का वो कितना है तुम्हारा, 70 रुपए है। तो 70, 10 और यहाँ पे 7 का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। बोल रहा है न्यू सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा कितने परसेंट से, नया सेलिंग प्राइस। तो ओल्ड वाला कितना है, 70 10 कितना हो जाएगा ओल्ड 80, नया वाला कितना है हमारा 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। तो सेलिंग प्राइस में कितने का गिरावट आया, 3 का, आउट ऑफ कितना 80 गुने में कितना 100। तो 20 से 5 बार में 5 या 15/4 जब करेंगे तो यही देगा 3 पॉइंट में कितना 75%, और यही हमारा आंसर है 3 पॉइंट में कितना 75%। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। अगला देखो क्या अगला क्या बोल रखा है, देखो बोल रखा है अगला जो हम लोग का है वो है मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। ठीक है, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज में क्या हम लोगों का 2 क्वांटिटी दिए हुए रहेगा, उन 2 क्वांटिटी का वैल्यू निकाल के हम लोगों को कंपेयर करना है। सिर्फ ध्यान रहे वो वैल्यू जो है किसी भी फॉर्मेट में हो, निगेटिव पॉजिटिव हमको उससे कोई मतलब नहीं, उसकी नेट वैल्यू जो है उसको कंपेयर करना है। अगर हम लोगों का मान लो लेट से क्वांटिटी 1 जो है आता है -15% और क्वांटिटी 2 आता है हम लोगों का 10%, तो हम लोगों को इस माइनस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम लोगों का अभी भी क्वांटिटी 1 जो है बड़ा होगा क्वांटिटी 2 से, या ये आता है 10 ईयर तो भी ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करना होता है, ना कि उसके डिस्टिंक्ट वैल्यू को। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज बनाने के दरमियान। ठीक है, अब देखो इस पे बेस सवाल हम लोगों का क्या दे रखा है, सवाल क्या है हम लोगों का। ठीक है, सवाल बोल रखा है हम लोगों का, पहला दे रखा क्वांटिटी, इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%, 10% and 25% इज प्रोवाइडेड ऑन एन आर्टिकल, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट प्रोवाइडेड। मतलब एक बार 4% का डिस्काउंट दिया, एक बार 10% का डिस्काउंट दिया, और एक बार जो है वो 25% का डिस्काउंट दिया। ये 3 डिस्काउंट मिला के एक सिंगल डिस्काउंट बताना है तुम्हें, इस चीज का उसकी वैल्यू, सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी। देखो सक्सेसिव जो है ना वो सिर्फ 2 पे लिमिटेड नहीं है, 3 पे भी है। और सक्सेसिव के केस में एक चीज और ध्यान में रखना कि उसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग इन 3 का भी सक्सेसिव निकाल सकते हैं 2-2 के पेयर में, पहले किसी 2 का निकाल लेंगे उसके बाद उसका जो वैल्यू आएगा उसको तीसरे के साथ भिड़ा देंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले 4-10 का लगाएं, हम पहले 4-25 का भी लगा सकते हैं, पहले 10-25 का भी लगा सकते हैं, हमको जिसमें कन्वीनियंट हो हम उसमें लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 25 और 4 का लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का डिस्काउंट फिर 25 का डिस्काउंट एंड माइनस माइनस प्लस 4 × 25/100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे तो खत्म हो गया हम लोग का, 25 × 4 = 29 में 1 चला जाएगा, -28% हो गया। मतलब इन दोनों को लगाए तो 28 आया, 28 को अब हम लोग 10 से लगाएंगे तो 28 × 10 यहाँ 10/100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 खत्म, 28 10 कितना हो जाएगा 38 प्लस में 2.8 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 35.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 35.2% का डिस्काउंट हो गया।
अब यहाँ से पहला वाला वैल्यू जो है वो 35% पॉइंट में 2 है और सेकेंड वाला वैल्यू जो है 36%। तो साफ साफ पता चल गया सेकेंड वाला वैल्यू जो है बड़ा होगा फर्स्ट वाले से। तो जहां पे भी ये ऑप्शन मिले, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला क्या है, अगला देखो क्या बोल रखा है हम लोगों को सवाल में। अगला बोल रखा है, फिर हम लोगों का डीएस पे बेस्ड आया सवाल, डीएस पे देखो क्या है हम लोगों का। बोल रखा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। अभी देखो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट में ही तुम लोगों का दे दिया कि मार्क प्राइस जो है वो 1200 है। तो जब भी स्टेटमेंट मतलब क्या, जो सवाल पूछ रखा है उसमें कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको हम लोग स्टेटमेंट 1, 2, 3 जितने भी स्टेटमेंट है उन सभी जगहों पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोल रखा है सवाल में व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो इसको ऑब्जर्व करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का, बोल रहा है 20% का डिस्काउंट। जब मार्क प्राइस पे तुम 20% का डिस्काउंट दोगे तो तुम्हें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। द आर्टिकल वाज सोल्ड एट 120 प्रॉफिट। तुमको सेलिंग प्राइस मालूम, प्रॉफिट मालूम, क्या तुम सीपी पे आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हो। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, सीपी आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आगे देखो आगे क्या बोल रखा है। पहला स्टेटमेंट से आगे हम लोगों का सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 7:8। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 7:8। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस तो तुम्हें दिए हुए, इसके बेसिस पे तुम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर आ जाएगा। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इस वीडियो को कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि पहले क्वांटिटी से सीपी क्या आएगा और दूसरे क्वांटिटी मतलब दूसरे स्टेटमेंट से सीपी क्या आएगा। ठीक है, हम लोग तो विजुअलाइज करके आंसर निकाल चुके हैं कि इधर स्टेटमेंट 1 और इधर स्टेटमेंट 2 होगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना नीचे कि स्टेटमेंट 1 से हम लोगों का सीपी क्या आएगा और स्टेटमेंट 2 से हम लोगों का सीपी क्या आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला सवाल देखो क्या, अगला देखो क्या है, फिर डीएस पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 पेन एंड 1 पेंसिल। हमसे पूछा है 2 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा ये बता दो भैया तुम। ठीक है, तो हम एक पेन का कॉस्ट एक्स रुपीज मान लेते हैं, एक पेंसिल का कॉस्ट वाई रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट है, पहला बोल रहा है 6 पेन तो 6x, 5 पेंसिल तो 5y एंड 4 टेबल तो इसको हम लोग 4t कर देते हैं। इसका दाम है 2500 रुपए। ठीक है, फिर अगला देखो अगला क्या है, फिर अगला बोल रहा है हमारा 4 पेन प्लस में 3 पेंसिल प्लस में 2 टेबल का दाम है तुम्हारा 1300 रुपए। तुम्हें एक चीज मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों के पास 2 ही है, तो थोड़ा सा दिमाग देखना, अगर कुछ कट के हमारा आंसर आ जा रहा है तो ठीक है, वरना वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को एक्स और वाई में चाहिए, तो सबसे पहले टी को हटाते हैं, इधर भी 2 से गुना कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, 2 से गुना। 2 से जब गुना करेंगे तो देखो 8x हो जाएगा, 6y हो जाएगा और 4t हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से घटा दो, 2500 में यहाँ घटाओगे माइनस माइनस माइनस, तो 2500 में 2600 चला जाएगा तो -100 हो जाएगा। संयोग से ये 40 खत्म, 6x में 8x चला जाएगा -2x, 5y में 6y चला जाएगा -y, बराबर में 100, माइनस कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस में y बराबर में -100 है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो यही निकालना था ना, 2x और 1y और बराबर में इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, 100 निकल के आ गई। तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कैसे दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर। जिस भी ऑप्शन में तुम्हें ये मिल जाए 1 एंड 2 टुगेदर, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्या, बोल रहा है ए मर्चेंट डीलर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। ठीक है, 10% और 20% का डिस्काउंट देता है इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। भैया जब 10% 20% का डिस्काउंट देता है तो इसका हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। तो 10 का डिस्काउंट दिया, 20 का डिस्काउंट दिया और प्लस में 10 × 20/100 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 0 0 खत्म हो गया, 30 में 2 चला जाएगा, यानी कि टोटल ओवरऑल डिस्काउंट जो हुआ वो 28% का हम लोगों को निकल के आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल में,
कि मर्चेंट डीलर गिव्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20%. व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ ही ऑफर्स अ सिंगल फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 30%? क्या प्रॉफिट होगा अगर हम सिर्फ सिंगल 30% का डिस्काउंट दें? तो तुम्हें मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एमपी बाई में सीपी जो होता है वो होता है 100 प्लस में परसेंटेज प्रॉफिट बटे में 100 माइनस में परसेंटेज डिस्काउंट. ठीक है, हम लोग इसी क्राइटेरिया को यूज करके एक बार में इन चीजों का आंसर दे देंगे. ठीक है, देखो हम लोग का क्या है कि 100 प्लस में पहले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं तो 20% का प्रॉफिट कमाता है और 28% का डिस्काउंट. तो 20 का प्रॉफिट कमाए, 120 28 का डिस्काउंट दिया, यानी कितना हो जाएगा 72. ठीक है, ये एमपीसीपी का रेशियो निकल गया. फिर क्या बोला हम लोगों को सवाल में, कितने का वो प्रॉफिट कमाएगा? तो 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट पी बोल देते हैं बटे में 100 माइनस की उसको कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 30 का डिस्काउंट दे रहा है. तो 30 का डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा. 12 से काट दो, 12 से कट जाएगा ये 6 बार में, 12 से कट जाएगा ये 10 बार में, यहाँ हो गया तुम्हारा 700 बटे में 6. इस 100 को इधर ले जाकर तुम घटा दोगे तो यही तुम्हारा देगा परसेंटेज प्रॉफिट, 600 में चला जाएगा, यानी क्या बच जाएगा तुम्हारा 100 बटे में 6, जिसको तुम 16 होल 2/3% और 16.67% बोलते हो. तो तुम्हारा परसेंटेज प्रॉफिट जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 16.6% आ गया. कोई रेशियो का जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं, कोई फ्रैक्शन पिलाने का जरूरत नहीं है. चीजों को बस इस बेसिस पे तुम सॉल्व करोगे तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस रिलेटेड 90% सवाल जो है वो तुम्हारा आसान हो जाएगा. ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्या है. अगला बोल रखा है हम लोगों को सवाल में, ए सेलर मार्कअप द प्राइस ऑफ वॉच 100% ओवर द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलर जो है मार्कअप करता है कॉस्ट प्राइस से 100% अधिक. ठीक है, अब आगे इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ सेलर गिव्स 200 डिस्काउंट ऑन इट देन ही गेट 60%. अगर सेलर जो है 200 का डिस्काउंट देता है तो ये हमारा एसपी निकल के आएगा, उसको क्या प्रो होता है, 60% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है, क्या होता है उसको, 60% का प्रॉफिट होता है. ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, इसके बाद क्या दे रखा है, 60% का डिस्काउंट हो गया. अब यहां से तुम देखो, जब ये डायग्राम तुम्हारा क्लियर हो गया, ऊपर कट गया है थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे ठीक से कर दे रहा हूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ एमपी से एसपी आया है ये 200 रुपए से आया है, 200 रुपए कम करके आया है. ठीक है, अच्छा 200 रुपए कम करने का मतलब क्या है हम लोगों का, कि वो 200 रुपए का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है हम लोगों को. ठीक है, एमपी से एसपी में क्या होता है, अगर कमी हो रही है तो 200 का मतलब क्या है, वो 200 को डिस्काउंट दे रहा है हम लोगों को. देखो यहाँ पे ये 100% अधिक क्या है, मार्कअप परसेंट, ये क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट. अभी तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मार्कअप परसेंट डिस्काउंट और उधर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है. लगा दो यहाँ पे सक्सेसिव, 100 माइनस एक्स माइनस 100 गुने एक्स बटे में 100 बराबर में क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा. तो 100 खत्म हो गया यहाँ से तुम्हारा, 100 में 60 चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 40 हो जाएगा. 2 से काट दो 20 बार में, x की वैल्यू निकल के आ गई 20%, यानी कि जो तुमने डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट था तुम्हारा 20% का. तो 20% की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 200. ठीक है, जब 20% की वैल्यू 200 है तो तुमसे क्या पूछ रखा है सवाल में, आगे देखो, 20% 200 हो गया तो यहाँ से हम लोग अगर 100% निकालते हैं तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, 2000. ठीक है, 100% हम लोगों का 2000 नहीं हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 5 से गुना करना है और इधर भी क्या करना है, 5 से गुना कर देना है. ठीक है, तो 5 से एमपी हो गया 1000. ठीक है, 100% अधिक है हम लोगों का तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 500 हो जाएगा, तभी ये 100% अधिक होगा. ठीक है, 500 का हम लोग का सॉरी ये हो गया. अच्छा इधर आ जाते हैं, 200 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 800. हाँ ठीक है, ये 500 हो जाएगा. ठीक है, 500 हो गया. ठीक है, अब यहाँ से 500 हो गया. अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ सेलर गिव 100 रुपीज डिस्काउंट ऑन वॉच इनिशियली एंड गिव 20% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच. ठीक है, अब क्या बोला सेलर जो है कि सेलर जो है 10% का डिस्काउंट देता है इनिशियली, तो 1000 रुपए था, सॉरी 100 रुपए का डिस्काउंट देता है इनिशियली,
तो 900 रुपए में बेचेगा उसको, फिर क्या बोल रहा है 20% का और डिस्काउंट देता है, तो 20% का डिस्काउंट देगा तो 80/100 हो जाएगा, 900 × 80 करेंगे तो ये हम लोग को कितना निकल के दे देगा, 720 रुपए निकाल के दे देगा। तुमसे पूछ रखा है सवाल में कि देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सेलर, प्रॉफिट कितना होगा सेलर का, तो सेलर का सीपी था 500 रुपया और इसी 500 यहाँ पे आके दे रहा है हम लोगों का कितना, 720 रुपया, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 320 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और यही हमारे सवाल का आंसर है, 320 रुपया प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या, और इस सवाल में खास करके देखो हम लोगों ने फिर से उसी चीज को यूज करके सवाल को कितना आसान कर लिया। ठीक है, तो चीजों को समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें और इसको इम्प्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, रोहिणी परचेस्ड फ्यू पेन एट 5 रुपीज 9, कुछ पेन मतलब 5 पीस खरीदती है 9 रुपया में। ठीक है, सीपी, फिर क्या बोल रहा है, अनसोल्ड देम 3 for 11, 3 पीस को बेच देती है वो कितना रुपया में, 11 रुपया में। ठीक है, आर्टिकल्स रिलेटेड जब भी सवाल आता है तो आर्टिकल्स रिलेटेड हम लोग सवालों में क्या जानते हैं, या तो हम लोग एक आर्टिकल को निकाल लेते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को बैलेंस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल को बैलेंस कर देते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 27 रुपीज और ये हो जाएगा हमारा 55 रुपीज। तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो 28 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो रहा है ऑन विथ कितना आर्टिकल, 5 या 15, यानी कि 15 पीस पे हम लोगों को जो प्रॉफिट हो रखा है वो हो रखा है 28 रुपीज। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, रोहिणी हैज टू सेल, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मिनिमम नंबर, कम से कम हम कितना पेन बेचे कि रोहिणी हैज टू सेल इफ सी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 100 रुपया, कम से कम वो 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो वो कम से कम कितना पेन बेचेगी कि उसको 100 रुपए का जो है वो प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से तुम ध्यान दो कि जब तुमको 28 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो तुमने 15 पीस को बेच दिया। ठीक है, तो जब तुमको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो तुम कितने पीस बेचोगे, 15/28 बेचोगे, तो तुम्हें 100 रुपए प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपए पे तुम कितने बेचोगे, 15/28 और गुने में क्या बेचोगे, 100 बेचोगे। ठीक है, तो 4 से काट दोगे इसे 7 बार में, 4 से इसे काट दोगे 25 बार में, 25 × 15 करोगे तो 375 हो जाएगा और 375 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7×5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 35 हो जाएगा, 2×25 हो जाएगा और 7×3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21 हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारा 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम ना तुरंत आंख बंद करके 53 मार दोगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट तुमसे पूछा है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा 54। ठीक है, क्यों 54, क्योंकि जब तुम 53 पेन जब बेचोगे तो 53 पेन बेचोगे तो वो 100 रुपए से क्या होगा, कम होगा, उसको क्या चाहिए, मिनिमम 100 रुपया चाहिए, नेट हमको नहीं बताया कि 100 चाहिए कि 100 से क्या चाहिए। ठीक है, बोला कि 100 से कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा हो जाए 1-2 रुपया कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मिनिमम हमको 100 रुपया प्रॉफिट चाहने के लिए हम कितना पेन बेचेंगे, तो कितना पेन बेचेंगे, यहाँ पे 53 तक तो हम लोग चले गए, 1 ज्यादा और करेंगे तो हम लोग का 100 टप जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 54 और यही हमारे इस सवाल का आंसर है 54। इस सवाल का हम लोग को 54 पेन जब हम लोग बेचेंगे तो हम लोगों का जो आएगा आंसर वो होगा 54। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं अगला देखो क्या। चलो एक और आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग, आखिरी सवाल हम लोगों का क्या है। ठीक है, बोल रहा है ए बिजनेसमैन डिसाइड द एमपी ऑफ एन आर्टिकल 10% मोर देन द सीपी, 10% अधिक है मतलब मार्कअप परसेंट 10 दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही गिव्स अ सर्टेन डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट देता है, इनकर्स अ लॉस ऑफ 1%, 1% का लॉस इनकर करता है, तो एकदम अच्छा ही सवाल, 10% अधिक कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया 10x/100 और पूरा ट्रांजेक्शन में 1% का लॉस हो गया, तो 1% का लॉस को क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, अब तक में हम लोग प्रॉफिट लिखे थे, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, देखो कितना जहरीला है और एक बार में आंसर कैसे दे देगा ये। ठीक है, 10 से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 और इधर भी तुम करोगे तो 11x, दोनों ही चूंकि निगेटिव में है तो ये निगेटिव खत्म, 11 खत्म, x का मान निकल के आ गया 10%, तो तुमने जो परसेंटेज
डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट दिया था तुमने 10% का, और यही तुम्हारा आंसर है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो चीजों को समझो, चीजों को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सक रहे हैं ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, इन चीजों को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। तुमने अगर वीडियो को देख रखा है तो फिर से देखो उस चीज को, अगर नहीं समझ में आ रहा है सीट को दोबारा से बनाओ एक दो दिन के बाद, एक वीक के बाद तुम्हें रिवीजन हो जाएगा कि तुम्हें वो सारी चीजें याद है कि नहीं याद है। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे एक दिन के बाद, एक दिन तक तुम्हें इसे फैलाना है, जितना ज्यादा ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीट लेके आएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि जो कैलकुलेशन का सीरीज मैंने अपलोड किया था उसे तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चीज को भी देख लेना। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का एक और पार्ट आएगा अभी हम लोग का, तो उस चीज को भी रेडी रहेंगे आप लोग बनाने के लिए और देखने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें। ठीक है, चलो, थैंक यू।